भाई वो फैसला तो कर नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई उम्मीदवार नहीं, तो वो बताएं, फैसला करके बता दें, या किसी को भी नहीं देंगे, जो भी फैसला वो बताएं। संकोच क्या है उनको फैसला सुनाने में? मेरा फैसला है ना, कांग्रेस का मेरा उम्मीदवार है, वोट दूंगा, तो उसको वो फैसला करें, नेता है यार। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का रुख साफ हो चुका है, लेकिन इनेलो के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला आज भी चुप हैं, और उनकी इसी चुप्पी को लेकर अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला को निशाने पर लिया है और दो टूक शब्दों में कहा है कि अभय चौटाला राज्यसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें। हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला के पास दो ही ऑप्शन हैं, कांग्रेस और भाजपा। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि अभय चौटाला बताएं वो अपना वोट कांग्रेस को देंगे या फिर भाजपा को। अभय सिंह चौटाला भी एक अलग से एमएलए हैं, तो भाई वो फैसला तो कर नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई उम्मीदवार नहीं, तो वो बताएं, वो वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब एक को वोट देंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को। बीजेपी जब इनका चुनाव था जब तो किसानों से वोट मांग रहे थे, किसान यूनियन की मदद करने जा रहे थे, अब वो फैसला करें, फैसला करके बता दें, या किसी को भी नहीं देंगे, जो भी फैसला वो बताएं। संकोच क्या है उनको फैसला सुनाने में? मेरा फैसला है ना, कांग्रेस का मेरा उम्मीदवार है, वोट दूंगा, तो उसको वो फैसला करें, नेता है यार, मतलब अपने आपको यूँ कहते मैं विकल्प बनाने की तैयारी करें, अपना फैसला नहीं बता पा रहे हैं, बताएं। आपने बात की है उनसे कि अपने पक्ष में मत? मैं क्यों बात करूँ, उम्मीदवार बात करेंगे। सर आप कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता हैं हरियाणा विधानसभा में, तो क्योंकि कैंडिडेट आपका है तो क्या आप लोग? वो तो कैंडिडेट सबको अपील कर चुका है, 90 के 90 MLO को उसने, 90 के 90 MLO को अपील की है, अभी मेरे को वोट दो। सारी बात आपको नहीं बताऊंगा। राजस्थान से गए हरियाणा से। ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, कमांड फैसला करती है राज्यसभा में। आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, भाजपा से कृष्ण लाल पंवार, कांग्रेस से अजय माकन और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने पर्चा भरा है। भाजपा के पास विधायकों की संख्या बल जरूरत से ज्यादा है और कांग्रेस के पास जितनी जरूरत है उतनी ही है। उधर जेजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन दे दिया है और माना जा रहा है कि भाजपा के भी 9 विधायक कार्तिकेय के पक्ष में ही वोट करेंगे। ऐसे में अब इनेलो के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला की चुप्पी चर्चाओं और अटकलों का जरिया बन गई है, जिसमें एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर अभय सिंह चौटाला अपना वोट किसे देंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।